What the hell is going on, Colonel Luthra? Kabir is gone rogue, ma'am. कबीर इज आवर बेस्ट. इससे पहले वो कुछ और करे, किल हिम. कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके. बॉलीवुड भी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड मूवी वॉर 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है. बॉलीवुड वाले साउथ इंडस्ट्री के खिलाफ काम नहीं करने वाले, बल्कि उनको अपने साथ मिलाकर काम करने वाले हैं. और इस बार तो वॉर 2 के फिल्म डायरेक्टर को भी चेंज कर दिया गया है. अब की बार वॉर 2 फिल्म को अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनाया जाने वाला है. और आप सोच रहे होंगे कि अयान मुखर्जी तो लव स्टोरी बेस्ड मूवी बनाते हैं, तो वो इस बार एक्शन मूवी कैसे बनाएंगे? आपको ब्रह्मास्त्र फिल्म तो याद होगी ना, वो भी इन्हीं ने डायरेक्ट की थी. अब देखना तो ये होगा कि ये वॉर 2 फिल्म में किस लेवल का एक्शन लेके आते हैं. दूसरा, वॉर 2 फिल्म को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है. फिल्म की कास्टिंग में काफी बड़ा चेंज किया गया है. फिल्म में हमें लीड रोल में तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे ही, लेकिन अब की बार वॉर 2 फिल्म में हमें साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR भी देखने को मिलने वाले हैं. आप सोच रहे होंगे कि मेकर्स ने वॉर 2 फिल्म में टाइगर की जगह जूनियर NTR को कास्ट क्यों किया होगा, पर ऐसा नहीं है. अब की बार जूनियर NTR हमें नेगेटिव रोल में देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि अब की बार हमें जूनियर NTR और ऋतिक रोशन के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है. और एक खबर तो ये भी आ रही है कि यशराज फिल्म ने जूनियर NTR को इस रोल के लिए 100 करोड़ की इतनी बड़ी फीस ऑफर की है, और जूनियर NTR ने भी इस रोल के लिए हाँ भर दी. यानी कि वॉर 2 फिल्म सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आने वाली है. लोग कह रहे थे कि यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स को साउथ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है. स्पाई यूनिवर्स की पठान मूवी को साउथ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन इस बार यशराज फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR को ही फिल्म में कास्ट कर लिया है. अब तो साउथ से भी काफी तगड़ा रिस्पांस मिलेगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी. और ये फिल्म अपने रिलीज के पहले दिन कई सारे फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी. पहली बार किसी बड़े स्टार को 100 करोड़ की इतनी बड़ी फीस ऑफर की गई है. इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म का बजट कितना बड़ा होगा और फिल्म का लेवल उससे भी कई ज्यादा बड़ा होगा. वॉर 2 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद सभी लोगों के बीच में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही बढ़ गया है. सभी लोग फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. इसलिए आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग और स्टोरी राइटिंग का काम भी कम्प्लीट हो चुका है. लेकिन अभी ऋतिक रोशन अपनी फाइटर मूवी की शूटिंग में लगे हुए हैं. फाइटर मूवी की शूटिंग खत्म होते ही ऋतिक वॉर 2 फिल्म की शूटिंग में लग जाएंगे और 2024 के मिड तक फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट कर ली जाएगी. इसके बाद ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट तक देखने को मिल सकती है. यानी कि अभी हमें वॉर 2 के लिए 1-1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा. पर एक बात तो पक्का है कि वॉर 2 फिल्म जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी और वॉर 2 फिल्म की आंधी में कोई भी फिल्म टिक नहीं पाएगी. इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.